हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी फर्स्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये टीना डाबी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाई गई है। उन्होंने ये एक ब्रॉडर ओवरव्यू दिया हुआ था, तो हम धन्यवाद करते हैं आप यूएस की ओर से टीना डाबी मैम को। तो देखिए, 16 से लेके 22 फरवरी तक आपको प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक जो कि है जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, तो आपको ये टॉपिक जो है आपको कब से कब तक 16 से लेके 22 फरवरी तक ख़त्म करना है। इसके बाद 23 से लेके 1 मार्च तक आपको हिस्ट्री पूरा निपटाना है। हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि यही मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि यूपीएससी पूछा करती है। 22 से लेके 8 मार्च तक आपको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। 9 मार्च से लेके आपको 15 मार्च तक पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा आपको निपटाने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, 16 से लेके 22 मार्च तक आपको इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा, ये आपको जो है आपको ख़त्म करने हैं। 23 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक आपको जनरल साइंस करना है। इसके अलावा 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, ये आपको करना है। 9 से लेके 15 अप्रैल तक आप सी सेट का जो है पूरा पेपर वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मित्रों, अप्रैल तक आपका यानी कि प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और आपका जून में होगा, 31 जून के अप्रोक्स जो है आपका 31 जुलाई को आपका जो होगा, कौन सा होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा 2020 में। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए अभी से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपको बनना है आईएएस, और आप आईएएस आपको लगातार हेल्प कर रहा है इस मामले में। हमारी डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू चल रहा है। आप इन वीडियो सीरीज को सीरियसली लीजिए, पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेंस में भी इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। हमारे डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशंस है वो क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि डिस्कशंस देखने का क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, डिस्कशन देखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और आप खुद जो है चीज़ों को एनालाइज जितना नहीं कर पाते हैं वो एक्सपर्ट आपको करके दे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।